జన జగతి నాటి విధవాను ट्वेंटी कब से यहाँ पर माताएं आने लगी हैं रहने के लिए? पाँच महीने हो गए हैं। पाँच महीने जय श्री श्याम राधे राधे। तो गाइस आज हम आपको लेकर आ गए हैं वृंदावन की कुंज गलियों में। महाशिवरात्रि का पावन अवसर है तो आज हम यहाँ पर आए हुए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और मुझे काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें गौरी गोपाल का जो नया आश्रम बन रहा है उसके आपको हम टूर करवाएँ। साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये पुराना वाला गौरी गोपाल जी का आश्रम है और जस्ट इसके सामने ये नया वाला आश्रम बन के तैयार हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो आज हम आपको दोनों ही आश्रम के टूर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं जो नया आश्रम तैयार हो रहा है उसमें हम आपको लेके चलते हैं कि क्या क्या सुविधा इसमें आपको देखने को मिलेंगी, कितना ज़्यादा स्पेस है। उसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे जो पुराना हमारा गौरी गोपाल का आश्रम है उसमें। तो चलिए चलते हैं। जय श्री श्याम राधे राधे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है गौरी गोपाल जी का नया आश्रम जो कि पुराने वाले आश्रम से कई गुना बड़ा है। ये चार मंजिला आश्रम बुज़ुर्ग माताओं के रहने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस आश्रम का काम अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, काम अभी भी जारी है। लेकिन इस आश्रम की अंडरग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी यहाँ पर अपनी भगवद्गीता का पाठ भी करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सामने आपको काफ़ी सारे श्रद्धालु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे जो श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में श्री अनिरुद्ध आचार्य जी यहाँ पर आकर अपनी भगवद्गीता का कथा यहाँ पर सुनाते हैं। अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ की फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रूम किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं बुज़ुर्ग माताओं के लिए, कितना स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। ये आप लोग देख पा रहे हैं ये है बुज़ुर्ग माताओं का रूम, यहाँ पर बुज़ुर्ग माताएं यहाँ पर रहेंगी। ये कुछ ओपन एरिया यहाँ पर दिया गया हुआ है क्योंकि पुराने वाले आश्रम में थोड़ा कंजेस्टेड था, थोड़ी कम जगह थी वहाँ पर, लेकिन इस आश्रम में माताएं अच्छे से रह पाएंगी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो मैं क्लिप बना रहा हूँ ये नए आश्रम की फर्स्ट फ्लोर से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सामने आपको पुराना वाला आश्रम दिख जाएगा। और यहाँ से जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये अंडरग्राउंड के लिए जाता है नए आश्रम में। और ये नए आश्रम की फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर वृद्ध माताएं आकर रहने भी लगी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था लेकिन मुझे परमिशन मिल गई थी थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये नए आश्रम की फर्स्ट फ्लोर है। कब से यहाँ पर माताएं आने लगी हैं रहने के लिए? 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने हो गए हैं यहाँ पे। अभी कितनी फ्लोर बन रही है यहाँ पे? 4 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है। 4 मंजिल गौरी गोपाल आश्रम है। और ये भी बस एक ही फ्लोर तैयार हुआ है, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे ही वहाँ पे भी। और जो सामने जो वहाँ पे भी हैं और जो पाठ पढ़ाते हैं जो मतलब हाँ कथा सुनाते हैं वो अब कहाँ कराते हैं? वो यहाँ कराते हैं नीचे वाली पे, पुराने वाली में नहीं कराते वो। ठीक है चलो थैंक यू राधे राधे।
श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को और अब हम आपको लेकर चलते हैं गौरी गोपाल जी के पुराने वाले आश्रम में। सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसी बिल्डिंग में बुजुर्ग माताएं रहती हैं। साथ ही जो पंडाल आपको सामने दिखाई दे रहा है, पहले गौरी गोपाल जी इसी आश्रम में अपनी जो कथा है वो सुनाया करते थे। स्पेस कम होने की वजह से वो अभी शिफ्ट हो गए हैं नए वाले आश्रम में। अब वो अपनी कथा नए वाले आश्रम में सुनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पुराने वाले आश्रम में उनकी एक बैठक है जहाँ पर वो 1 बजे से पहले आकर मिलते हैं सभी श्रद्धालुओं से। तो वो बैठक भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो श्री अनिरुद्ध आचार्य जी ने फ्री में जो खाना यहाँ पर उपलब्ध करा रखा है अपने श्रद्धालुओं के लिए, तो वो मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो आप लोग देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर ये अंडरग्राउंड कुछ सीढ़ियाँ जहाँ पर जाती हैं, जहाँ पर आपको फ्री में खाना उपलब्ध कराया गया है श्री अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा, जहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं अभी जाल के अंदर काफ़ी सारे लोग अभी खाना खा रहे हैं, और जब उनका खाना कंप्लीट तरीके से वो खा लेंगे उसके बाद ही उनको बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद ये जो नए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं खाना खाने के लिए, तब उनको यहाँ से एंट्री मिलती है। तो आप लोग देख सकते हैं, अब हम आपको लेके चलते हैं गौरी गोपाल जी की बैठक की तरफ, जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि गौरी गोपाल जी जो श्री अनिरुद्ध आचार्य जी है वो यहाँ पर आकर सभी श्रद्धालुओं से एक एक करके मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यही रास्ता है जो बुज़ुर्ग माताओं के रूम की तरफ भी जाता है और श्री गौरी गोपाल जी के आश्रम में जो बैठक है उसकी तरफ भी जाता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहे थे बुज़ुर्ग माताओं से मिलने के लिए, और हम लोगों को जाना था अनिरुद्ध आचार्य जी की बैठक के लिए जो कि बिल्कुल सामने ही थी। तो आप चलिए अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही थी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये है उनकी बैठक। यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया करीब 1 बजे गौरी गोपाल जी अपनी कथा सुनाते हैं नए वाले आश्रम में, तो सारे श्रद्धालु भी वहाँ शिफ्ट हो गए थे ये आप देख सकते हैं। लेकिन 1 बजे से पहले श्री अनिरुद्ध आचार्य जी यहाँ पर आते हैं, इस वाली गद्दी पर बैठते हैं और सभी श्रद्धालुओं से एक एक करके मिलते हैं। तो अगर आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो इस बैठक में आकर के 1 बजे से पहले आप आ जाइए, ताकि आप श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से मुलाकात अपनी कर सकते हैं। और साथ ही ये गौरी गोपाल जी का आश्रम है, यहाँ पर श्री अनिरुद्ध आचार्य जी अपना दिन शुरू करने से पहले यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। ये आप देख सकते हैं जगह जगह आपको श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की काफ़ी सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। और अब हम आपको लेके चलते हैं बुज़ुर्ग माताओं के रूम में। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों को सीढ़ियों से जाना था, लेकिन जो भी श्रद्धालु बुज़ुर्ग माताओं से मिल के आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और अब हम पहुंच गए बुज़ुर्ग माताओं के रूम में, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सभी सुविधाएं बुज़ुर्ग माताओं के लिए की हुई हैं। कूलर, टीवी, बेड, सारे अरेंजमेंट यहां पर अच्छी तरीके से किए गए हैं ताकि बुज़ुर्ग माताओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। साथ में एक हेल्पर भी यहां पर रखा गया है ताकि बुज़ुर्ग माताओं को उठने बैठने में कोई दिक्कत हो, ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहां पर बुज़ुर्ग माताएँ रहती हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ गौरी गोपाल जी के पुराने वाले पंडाल में, जहाँ पर पहले वो अपनी कथा को सुनाया करते थे पुराने वाले आश्रम में, जिसको अभी पार्किंग की तरीके से वो ट्रीट करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई हैं कि इमरजेंसी हो या किसी बुज़ुर्ग माता को कोई दिक्कत हो तो ईज़िली उनको हॉस्पिटल वगैरह पहुँचाया जा सके। ये आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे जस्ट बिल्कुल सामने ही नया वाला आश्रम है, तो आपको नए वाले आश्रम को ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पुराने वाले आश्रम के सामने ही ये नया वाला आश्रम बनकर तैयार किया गया है। राधे राधे।